Hello, my dear students. Today I will teach you 9th history, chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler. Previous video में मैं racial hierarchy, यानी हिटलर का जो racial hierarchy था उनके बारे में बताई थी, और उसमें उसमें हम देखे थे कि किस प्रकार हिटलर racial hierarchy के दौरान पूरे जर्मन के पीपल को एक के ऊपर एक सजा दिए थे, जिसमें टॉप पर रखे थे ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यन को, यानी कि उनको वे बहुत ही सुपर समझते थे। तो अब ये रेशियल हायरार्की के दौरान जर्मनी के पीपल को अलग अलग करना शुरू किए, और उसी के दौरान ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, तब उसके बाद रेशियल हायरार्की के बाद ये रेशियल स्टेट बनाना शुरू किए, यानी कि नस्ल के आधार पर उन्होंने स्टेट का बंटवारा शुरू कर दिए। अब इसके अनुसार नाजी वांटेड ओनली ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। अब नाजी क्या चाहते थे, यानी नाजी चाहते थे कि प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो। तो नॉर्डिक आर्यंस में से कैसे आर्यंस हो, तो ब्लू आईड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, तो इनको वो सबसे ज्यादा जो सुपर समझते थे। तो ऐसा ही पीपल उस स्टेट में वो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। अब इनके चलते ये क्या किए, तो बाय फिजिकली eliminating all those who have seen undesirable. अब इसके तहत, यानी कि pure and healthy Nordic Aryans के दौरान उन्होंने physically German people को वहाँ से eliminate करना शुरू कर दिए। तो कैसे people को eliminate किए, eliminate मतलब यानी मार देना, भगा देना, compel करना वहाँ से भागने के लिए। तो यानी कि physically उनको eliminating किया गया वैसे पीपल को जो उनके लिए अनडिजायरेबल थे। ऑल दोज हु हैव सीन अनडिजायरेबल, जो उनके लिए अनडिजायरेबल दिखते थे। तो अनडिजायरेबल कौन कौन से वहाँ के पीपल थे, तो उसमें सबसे फर्स्ट थे वो आपको ज्यूस थे, सेकेंड में जिप्सीज थे, जिप्सीज यानी कि ब्लैक पीपल, ये अफ्रीकन पीपल होते थे, तो जिप्सीज को कहा जाता था ब्लैक पीपुल, ये भी उनके लिए अनडिजायरेबल ही थे। उसके बाद थे आपको पोल्स, पोल्स इट मीन्स पीपुल ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड में रहने वाले लोग थे उनको पोल्स कहा जाता, तो पोल्स भी उनके लिए एक अनडिजायरेबल ही पीपुल थे। इसके अलावा ज्यूस, जिप्सीज, पोल्स के अलावा भी अगर मेनी सच ग्रुप्स वेर प्रोसिक्यूटेड, और बहुत सारे ग्रुप्स थे जो उनके लिए अनडिजायरेबल थे, उनको इलिमिनेट किया गया या प्रोसिक्यूट किया गया, यानी कि उनको मार दिया गया, हटा दिया गया। तो मेनी सच ग्रुप्स वेर प्रोसिक्यूटेड, तो ये सारे ग्रुप्स जो आप दिख रहे हैं ये आपको अनडिजायरेबल था, किनके अनुसार, तो हिटलर्स के अनुसार। फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इतने सारे जो ग्रुप्स हैं, ज्यूस हैं, जिप्सीज हैं, पोल्स हैं, तो इन सारे ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाला ग्रुप है वो आपको है ज्यूस। तो ज्यूस हिटलर्स के समय में जर्मनी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया। कहा जाता है कि उस समय ज्यूस को देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार उनको नहीं था, जगह जगह से वो मारते भागते फिरते थे। तो ज्यूस के लिए एक ऐसा जगह है जहाँ की वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, वो एक जगह थी इंडिया। अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री हम लोग को, इंडियन पीपल को वो थैंकफुल है हम लोग के कल्चर के प्रति, क्योंकि उस समय ढेर सारे ज्यूस लोग भाग करके कहाँ आके बस गए, आपको इंडिया में बस गए। तो ज्यूस के प्रति इतने सारे अनडिजायरेबल ग्रुप्स थे, लेकिन ज्यूस को वो सबसे ज्यादा वो प्रोसिक्यूट किए थे या एलिमिनेट किए थे, मार दिए, भगा दिए, मतलब कंट्री को छोड़ने पर बार बार वो मजबूर करते थे। तब इसका काउज है, कुछ काउज मैं लिखी हूँ कि
बच्चे भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आखिर इतने सारे ग्रुप्स में ज्यूस को ही क्यों इलिमिनेट किया गया, या ज्यूस ही इतने ज्यादा सफर क्यों करते हैं। तो उसका मेन मतलब काउज है कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यू। अब ये वहाँ की एक परंपरा थी, वहाँ की क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी यानी कि वहाँ के लोग ज्यूस को एक अलग दुश्मन की तरह मतलब देखते थे, दुश्मन की नज़र से देखते थे या उस निगाह से उनको देखते थे। ये उनकी एक ट्रेडिशन थी, परंपरा थी। सेकेंड, उनकी जो थ्योरीज थी द किलर ऑफ क्राइस्ट, उनको मतलब ऐसी परंपरा उनके अंदर डेवलप थी कि ज्यूस लोगों ने हमारे जेसस क्राइस्ट को ही मारे थे, किलर ऑफ जेसस क्राइस्ट। और तीसरी जो मतलब थ्योरी है उनके प्रोसिक्यूशन की, ज्यूस के प्रोसिक्यूशन का, उसका है हिटलर्स सूडो साइंटिफिक थ्योरी। अब हिटलर अपने मन में कुछ मन गठन सूडो साइंटिफिक थ्योरीज थी जिनके तहत वो जानबूझ करके ज्यूस को इतने ज़्यादा इलिमिनेट किए थे। तो अब ये हिटलर की सूडो साइंटिफिक थ्योरीज तो हम प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे क्योंकि इस प्रकार वहाँ पे दो साइंटिफिक साइंटिस्ट थे आपको, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेंसर जो एक नेचर के ये साइंटिस्ट थे और उस चीज़ को ले आए थे रेसियल हायरार्की पे। तो ये इनके जो सूडो साइंटिफिक थ्योरीज थे जिनके तहत भी ज्यूस लोग बहुत ज़्यादा सफर करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार ये अनडिजायरेबल जो जितने भी ग्रुप्स थे उनको अपने रास्ते से कैसे हटाते हैं। तो ये अनडिजायरेबल जो जितने भी ग्रुप थे, तो देखेंगे यहाँ पे 1933 से 1938 के बीच में कि नाजीज टेरोराइज्ड पॉपराइज्ड एंड सेग्रीग्रेटेड द ज्यूज। अब देखिए यहाँ पे कि नाजीज टेरोराइज्ड, अब ये जो अनडिजायरेबल ग्रुप थे, टेरोराइज मीन होता है उसको अत्यधिक डराया धमकाया गया ताकि डर के मारे वो जर्मन छोड़ के अपनी कंट्री को कंपेल करके छोड़ दे। पॉपराइज यानी कि जानबूझ करके उनको एक एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीने पर मजबूर कर दिया गया। अब क्या होता है एंड सेग्रीग्रेटेड, सेग्रीग्रेटेड मीन होता है कि उसको एक अलग एरिया प्रोसिक्यूट करके एक अलग एरिया उनको दे देना। जैसे कि पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ था तो आधे भाग पोलैंड के आधे भाग में ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस को रखा गया और उनके जो आधे भाग थे उनको एक ऐसा स्थान दिया गया, एक प्रकार के संकीर्ण जगह जहाँ की उसको जीने पर मजबूर किया गया। अब बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अपना घर छोड़ करके दूसरे कंट्री में भी चले गए, लेकिन कुछ ऐसे पीपुल थे जो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोगों को अपनी जगह संपत्ति को छोड़ करके दूसरे जगह पर रहने पर मजबूर कर दिया और वहाँ एक एरिया को चिन्हित कर दिए थे और उस एरिया में वैसे पीपुल को यानी कि उस चिन्हित जगह को गेटोजाइजेशन बोलते थे, यानी कि उस गेटोज के अंदर उस पीपुल को रहने पर मजबूर कर दिए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेग्रीग्रेटेड यानी अलग कर दिए और ज्यूस को कंपेल किया गया, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और उनको बार बार कंपेल, एक तो उनका घर संपत्ति या उनका जो ट्रेड था या जो कुछ भी था सब पे उनका अधिकार हो गया। फिर भी बहुत ऐसे लोग थे जो गेटोज में भी रहने पर मजबूर हो रहे थे लेकिन जर्मनी को छोड़ना पसंद नहीं कर रहे थे। तो बहुत लोग वहाँ से भाग भी गए, बहुत लोग गेटोज के अंदर रहते भी थे, लेकिन जो लोग चले गए तो चले गए, लेकिन जो लोग गेटोज के अंदर रह गए यानी कि एक सेपरेट डिमार्केट एरिया के अंदर जो रह गए उनको बाद में हिटलर ने मार दिया। तो किस रूप से मार दिए, तो देम इन अ गैस चैम्बर, यानी कि एक गैस चैम्बर होती थी और गैस चैम्बर में सबको ले जा करके और उसमें एक जहरीली गैस रिलीज कर दी जाती थी। अब मान लीजिए आप उस गैस चैम्बर में जाएंगे तो इनहेल तो करेंगे ही, तो जब आप सांस लेंगे तो वो जहरीली गैस आपके अंदर जाती थी और उस गैस से
जहरीली गैस के चलते उन सबकी मौत एक साथ हो जाती थी। तो 1939 से लेकर 1945 के बीच तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। तो अब इस सेकेंड वर्ल्ड वार के आर में रह करके वो बहुत सारे ये अनडिजायरेबल्स ग्रुप को वो प्रोसिक्यूट किए, और प्रोसिक्यूट करने में वो एक गैस चैम्बर का सहारा लिए थे। तो यही एक गैस चैम्बर है, जिस गैस चैम्बर के अंदर अनडिजायरेबल जितने भी ग्रुप्स थे उन सारे ग्रुप्स को इस गैस चैम्बर के अंदर डाल करके जहरीली गैस को रिलीज कर देते थे और उन सारे पीपल को प्रोसिक्यूट कर दिए, यानी मार दिए थे।